ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर्मुलेटर। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का सब्जेक्ट है हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। दिस सब्जेक्ट इज कॉमन फॉर थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस। इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए ये सब्जेक्ट कॉमन है। सब्जेक्ट का नाम मैंने बताया है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। पेपर कोड आप देख सकते हैं 100302 है। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसका एग्जामिनेशन 2023 में हुआ था और क्वेश्चन पेपर के ऊपर 2022 लिखा हुआ है। चलिए डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डिस्कशन का जो हमारा मोड होगा वो तीन पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड किया है, जिसमें पहला जो पार्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एंड देन आफ्टर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 to 9 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि वो सब्जेक्टिव है और उसमें हमको थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें हमको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारा, कौन कौन सा क्वेश्चन है और किस कंसेप्ट से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एनी 7। हम लोग पूरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, फॉर बेस करेंट ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट इन कॉमन इमीटर इफ बीटा डीसी इज इक्वल टू 100। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूले के हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कलेक्टर करंट जो होता है आईसी, है ना, आईसी दिस इज कलेक्टर करंट, दिस इज कलेक्टर डीसी करंट, दिस इज इक्वल टू बीटा डीसी आईबी। ये बेस करंट हमारा हो गया, तो यही फॉर्मूला लगेगा, इस पे हम सॉल्व करेंगे। सो आईसी इज इक्वल टू बीटा, ये कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ है, और आईबी हमारा कितना है 10 माइक्रो एम्पियर। 10 माइक्रो एम्पियर मतलब 10 की पावर माइनस 6, इसको एम्पियर में हम चेंज कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 10, और ये 3 जीरो है, यहां से हम ऐड करेंगे माइनस 6 में, तो 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, ये एम्पियर में आया है, और 10 की पावर माइनस 3 को हम लोग 1 मिली एम्पियर लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बीटा डीसी के अलावा बीटा एसी भी दे सकता था, तो सेम फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते थे। इसके अलावा इसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट भी दे सकता था या लीकेज करंट भी दे सकता था, तो उसको हम लोग को इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है। आप जानते हैं कि कलेक्टर करंट जो होता है, दैट कलेक्टर करंट इन केस ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इट इज गिवन बाय बीटा आई बेस प्लस आई सीईओ। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता था, ये भी आपसे पूछा जा सकता था, इस पे भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता था, आपको इसका फॉर्मूला दे देता, सॉरी इसका वैल्यू दे देता आई सीईओ का, और वहां से क्वेश्चन पूछ सकता था। तो एक्स्ट्रा में इसको भी आपको ध्यान दे करके चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट पे चलते हैं। 1 का बी पार्ट करें, इफ एन एम्पलीफायर विद गेन ऑफ -1000 एंड फीडबैक फैक्टर बीटा इक्वल टू -0.1 हैड ए गेन चेंज ऑफ 20% ड्यू टू टेम्परेचर, द चेंज ऑफ गेन ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर वुड बी। चार ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट लगेगा, अगर इसको तुम गेन और फीडबैक के हिसाब से सॉल्व करने लगोगे तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन चला जाएगा। अगर कंसेप्ट आपको पता है तो वहां से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद 2 to 3 लाइन, और यही यहाँ पे रिक्वायर भी है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी गेन चेंज होता है ड्यू टू टेम्परेचर और एनी अदर फैक्टर, तो जो चेंज ऑफ गेन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ दैट एम्पलीफायर। तो यहाँ गेन पहले कितना था, यहाँ पे गेन पहले था हमारा -1000 और वो किसी कारण बस 20% चेंज हो गया, इसका मतलब 20% इज द सेंसिटिविटी ऑफ एम्पलीफायर एंड ओपन लूप एम्पलीफायर, ठीक है ना। ओपन लूप में इसका सेंसिटिविटी कितना है, तो 20% है, तो हम लोग इसका सेंसिटिविटी कितना लिखेंगे, सेंसिटिविटी ठीक है कितना हो जाएगा, ये एस ओपन लूप कितना दिया हुआ 20% दिया, मतलब 20 हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये ओपन लूप में है, जब हम फीडबैक अप्लाई करेंगे, आफ्टर अप्लाइंग फीडबैक जब हम फीडबैक अप्लाई करेंगे तो इसका सेंसिटिविटी जो हो जाएगा वो अब क्लोज लूप का हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना होगा, ओपन लूप सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई, चूंकि ये निगेटिव फीडबैक है इसलिए यहाँ पे प्लस हम लोग यूज कर रहे हैं, निगेटिव फीडबैक है तो क्या यूज कर रहे हैं, प्लस यूज कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, गेन ए और बीटा, सो पुट द वैल्यू
इसका वैल्यू कितना 20 है, परसेंटेज में ध्यान रखेंगे तो लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको भी हमको परसेंटेज में लेके चलना है। और 1 प्लस ए बीटा, तो ए क्या है दिया हुआ, हाउ मच गेन इज गिवन, माइनस 1000, तो गेन का वैल्यू ए इज इक्वल टू माइनस 1000 दिया हुआ है, और बीटा का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, माइनस 0.1 दिया हुआ है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा हमारा। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 100 हो जाएगा, 100। और इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 101 को हम 100 ही ले लेते हैं, 101 ना लिख के 100 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहां से आप देखोगे तो जीरो कट हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 0.2, और चूंकि मैंने बोला था परसेंटेज के फॉर्म में इसको देखना है तो परसेंटेज के फॉर्म में हम लोग इसको देखेंगे। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है आपको। तो देख रहे हैं आप ये विद इन टू लाइन में क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। बस इतना आपको आना चाहिए कि चेंज ऑफ गेन जो होता है उसी को हम लोग सेंसिटिविटी ऑफ द एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 के सी में। ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी, देखो ये 3 कितना होता है, ट्राइवेलेंट बहुत ही इजी है, दो ही प्रकार के इम्प्यूरिटी होते हैं, ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्राइवेलेंट के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड 3 होगा, और ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जेनर डायोड आर यूज प्राइमरली एज, जेनर डायोड का जो सबसे मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशन है वही है इसका वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जेनर डायोड को जाना जाता है, जेनर डायोड इज नोन एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ई में, पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ डायोड used in half wave rectifier, PIV, peak inverse voltage जो होता है वो कितना होता है half wave rectifier के केस में, half wave rectifier के केस में peak inverse voltage कितना के बराबर होता है, तो VM के बराबर। डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें किसी प्रकार का कोई कंसेप्ट नहीं लगाना है, कंसेप्ट जिसमें लगाना था वो मैंने आपको बताया, फीडबैक वाले में कंसेप्ट लगाना था, ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको एकदम याद होना चाहिए, बिल्कुल देखते ही आंसर आपको सही सही आंसर लगाना चाहिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर का PIV कितना होता है, फुल वेव रेक्टिफायर का PIV कितना होता है, इफिशियंसी कितना होता है, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, तो इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, देखते ही आंसर आपको लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का F, देखो एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रिवर्स सेचुरेशन करंट ऑफ पीएन जंक्शन विल बी इंक्रीज्ड बाय, आपको पता होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है लीकेज करंट, या फिर उसको रिवर्स सेचुरेशन करंट बोलते हैं, वो भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। और जब वो इंक्रीज होता है तो किस रेशियो से इंक्रीज होता है, कैसे इंक्रीज होता है, ये भी बताया गया है। तो जब मैंने लेक्चर लिया था उसमें भी मैंने बताया, और अभी भी हम बता दे रहे हैं आपको कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिवर्स सेचुरेशन करंट भी इंक्रीज होता है। एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर हमारा रिवर्स सेचुरेशन करंट डबल हो जाता है, एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिवर्स सेचुरेशन करंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 2 टाइम्स कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिवर्स सेचुरेशन करंट 2 टाइम्स हो जाता है। मोर स्पेसिफिकली अगर तुम देखोगे तो जर्मेनियम के केस में 10 डिग्री पर क्या होने लगता है, 2 टाइम्स हो जाता है, जबकि आप सिलिकॉन के केस में 6 डिग्री पे ही वो क्या हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो इन जनरल जो होता है वो हमारा 10 डिग्री टेम्परेचर पर वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, तो इसलिए ये आप दिमाग में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन द रीजन व्हेन इमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस। ये तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का सबसे मोस्ट यूज एप्लीकेशन है। कैसे मोस्ट यूज एप्लीकेशन, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में आपने क्या देखा था, तो एम्पलीफायर, एम्पलीफायर सबसे ज्यादा यूज हम लोग एम्पलीफायर जो करते हैं यूज, उसमें हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में जब यूज होगा तो वो कौन से रीजन ऑफ ऑपरेशन में होना चाहिए, एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन में होना चाहिए। और एक्टिव रीजन ऑफ ऑपरेशन में उसका इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्टिव रीजन, कौन से रीजन में ट्रांजिस्टर वर्क करेगा, एक्टिव रीजन में, जब इमीटर बेस जंक्शन उसका फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन आप उसका रिवर्स बायस कर देंगे तो वो एक्टिव रीजन में वर्क करेगा। इसके अलावा और भी कुछ पूछ सकता है, इसके अलावा ये भी पूछ सकता है आपको कि अगर दोनों रीजन हम इमीटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों को अगर रिवर्स कर देंगे तो कौन से मोड में चला जाएगा, तो कट ऑफ मोड में चला जाएगा, और कट ऑफ मोड में वो ऑफ स्विच के तरह काम करता है। अगर हम दोनों
इमीटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दे तो वो किस रीजन में चला जाएगा, सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, और सैचुरेशन रीजन में वो ऑन स्विच के तरह काम करता है। अगर हम क्या करें तो जस्ट इसका रिवर्स कर दे, ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, इमीटर बेस जंक्शन को हम रिवर्स बायस कर दे एंड कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दे तो ट्रांजिस्टर हमारा रिवर्स एक्टिव रीजन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? रिवर्स एक्टिव रीजन में चला जाएगा, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। इसमें से क्या क्या बेसिक क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, मैंने सारा यहाँ पे डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के एच पार्ट में। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है जो कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के रेंज में ही काम करता है। तो ये लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है, और लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में कौन कौन से होते हैं? आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होते हैं, वेंस ब्रिज ऑसिलेटर होते हैं। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में आपने देखा होगा कि जब हम ऑसिलेटर बनाते हैं तो उसके जो फीडबैक नेटवर्क होते हैं उसमें 3 पेयर ऑफ आर एंड सी का हम लोग यूज करते हैं, रेसिस्टर एंड कैपेसिटर का। 3 पेयर ऑफ रेसिस्टर एंड कैपेसिटर का जनरली यूज किया जाता है, और ईच पेयर ऑफ आरसी विल प्रोड्यूस हाउ मच? तो देखो 3 पेयर लगाए हैं, और आपको पता है कि जब हम ऑसिलेटर की बात करते हैं फीडबैक क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक होता है, और पॉजिटिव फीडबैक में एम्पलीफायर सेक्शन 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है, फीडबैक सेक्शन 180 डिग्री फेज शिफ्ट करता है। तो ईच सेक्शन कितना करेगा कि तीनों मिला के 180 होगा, तो 60 प्लस 60 प्लस 60, मतलब ईच सेक्शन कितने डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करेंगे? 60 डिग्री। That's why the three portion or three section will produce 180 degree phase shift. तो amplifier section 180 degree और जो feedback section है वो 180 degree total produce करेगा 360 degree. This is the required condition of oscillator. यही required condition है Barkhausen criteria. आगे भी पूछा है question, उसमें हम लोग देखेंगे detail में। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग RC phase shift oscillator use करते हैं तो एक पेयर ऑफ आर एन सी 60 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 60 डिग्री इज द करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा हमारा और भी पूछ सकता था कि हो सकता है 2 पेयर पूछ सकता था, तो 120 हम बोलते हैं, 3 पेयर बोलता तो हम लोग क्या बोलते हैं? 180 बोलते हैं। एम्पलीफायर कितना, एम्पलीफायर सेक्शन कितना प्रोड्यूस करेगा? 180, एंड टोटल क्लोज लूप में कितना करेगा तो हमारा 1360। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आई, द इफ द पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग ऑफ डायोड एक्सीड। अब जैसे पीक इनवर्स वोल्टेज आप एक्सीड करोगे, डायोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डायोड जल जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका सीधा सा आंसर हमको यहीं पर मिल गया कि व्हेन द पीआईवी रेटिंग ऑफ डायोड एक्सीड, डायोड विल गेट डिस्ट्रॉयड। डायोड हमारा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। डायोड हमारा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जे पार्ट में। 1 का जे पार्ट क्या बोल रहा है? एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये किस पर है? तो जेएफईटी पे है। जेएफईटी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? तो फॉर्मूला पे सॉल्व करते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो हमने सॉकले इक्वेशन था, सॉकले इक्वेशन का यूज करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। तो क्या है सॉकले इक्वेशन? सॉकले इक्वेशन बोलता है कि ड्रेन करंट अगर आपको निकालना है तो आई ड्रेन दिस इज इक्वल टू आई डी एस एस। आई डी एस एस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ड्रेन टू सोर्स करंट, सैचुरेशन करंट, ड्रेन टू सोर्स, सैचुरेशन करंट, ठीक है, ब्रैकेट में 1 1, ठीक है, प्लस वी जी एस अपॉन VP का स्क्वायर, यही होता है हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ VGS 0 दिया तो ये पूरा पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा। तो ID इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? IDSS के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ प्लस माइनस भी आप देख सकते हैं, माइनस भी हम लोग ले सकते हैं सम कंसेप्ट में, तो IDSS हो जाएगा। सो IDSS दिस इज इक्वल टू 9 mA डायरेक्टली दिया हुआ है, तो 9 mA हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का जे पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट, ये टोटल हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एंड दैट वी विल डू इन नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए।